नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। 3 जुलाई को प्रदेश भर में मनाया जाएगा पालनहार लाभार्थी उत्सव। मुख्यमंत्री डीबीटी के जरिए लाभार्थियों के खाते में राशि करेंगे ट्रांसफर। शहर से गांव ढाणी तक चिकित्सा सेवाओं का हो रहा विस्तार। मुख्यमंत्री ने दी 473 चिकित्सा संस्थानों के भवन निर्माण की मंजूरी। मुख्य सचिव ने वीसी के जरिए संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर्स की ली बैठक। आगामी कार्यक्रमों और योजनाओं को सफल बनाने के दिए निर्देश। 3 जुलाई को राज्य स्तरीय पालनहार लाभार्थी उत्सव मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम का आयोजन मुख्यमंत्री निवास पर होगा। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत पालनहार योजना के लाभार्थियों के खातों में राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के माध्यम से ऑनलाइन बटन दबाकर ट्रांसफर करेंगे। आपको बता दें कि राज्य सरकार की बजट घोषणा 2023-24 के अनुसार जुलाई महीने से अनाथ श्रेणी के 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों के लिए 1500 रुपये प्रतिमाह और 6 से 18 आयु वर्ग तक के बच्चों के लिए 2500 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। अनाथ श्रेणी के अलावा दूसरी श्रेणी के 0 से 6 वर्ष उम्र के बच्चों के लिए 500 रुपये के स्थान पर 750 रुपये प्रतिमाह और 6 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए 1000 रुपये के स्थान पर 1500 रुपये प्रतिमाह सहायता राशि मिलेगी। निरोगी राजस्थान की संकल्पना को साकार करने की दिशा में राज्य सरकार हर शहर गांव ढाणी तक चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार कर रही है। स्वास्थ्य केंद्रों के अपग्रेडेशन के साथ उनमें स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए अहम फैसले लिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने ऐसे विभिन्न प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की है। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के 473 चिकित्सा संस्थानों के भवनों का निर्माण कराया जाएगा। इसमें 2,185 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि खर्च होगी। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है। वहीं बीकानेर के चिकित्सा महाविद्यालय में हल्दीराम मूलचंद कार्डियोवैस्कुलर साइंसेज को कार्डियोवैस्कुलर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में क्रमोन्नत किया जा रहा है। इसके लिए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 8.89 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट प्रावधान को मंजूरी दी है। इस राशि से सेंटर में उपकरण सहित दूसरे संसाधन खरीदे जाएंगे। मुख्यमंत्री ने जोधपुर की पंचायत समिति बालेसर के ग्राम टीकमगढ़ में नए उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की है। जयपुर के दंत महाविद्यालय और अस्पताल में असिस्टेंट प्रोफेसर के 10 नए पदों का सृजन होगा। इससे चिकित्सा विद्यार्थियों को पढ़ने और मरीजों को उपचार कराने में आसानी होगी। महाविद्यालय में संचालित बीडीएस पाठ्यक्रम की सीटें 50 से बढ़ाकर 100 किए जाने और पीजी पाठ्यक्रमों में सीटों की बढ़ोतरी, डेंटल मैकेनिक और डेंटल हाइजीनिस्ट के नए पाठ्यक्रम शुरू किए जाने से असिस्टेंट प्रोफेसर के नए पदों का सृजन जरूरी हो गया था। गौरतलब है कि महाविद्यालय में विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित योजनाएं संचालित हैं। इन योजनाओं के सुचारू संचालन और अस्पताल में मरीजों को सभी प्रकार की चिकित्सा सुविधाएं गुणवत्तापूर्वक समय पर उपलब्ध कराने, शिक्षण, शोध और क्लिनिकल कार्यों में सहयोग के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा ने रविवार को सभी संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर्स की वीसी के जरिए बैठक लेते हुए राज्य सरकार के आगामी दिनों में प्रस्तावित महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों और योजनाओं को लेकर तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अन्नपूर्णा फूड पैकेट वितरण योजना, राजीव गांधी ओलंपिक खेल और 3 जुलाई को होने वाले पालनहार लाभार्थी उत्सव को लेकर तैयारियों की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने 25 जुलाई से शुरू होने वाली मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट वितरण योजना को लेकर जिला स्तर से जारी निविदाओं की जानकारी भी ली। इसके बाद उन्होंने 3 जुलाई को प्रस्तावित पालनहार लाभार्थी उत्सव की तैयारियों की भी समीक्षा की। साथ ही सभी अधिकारियों को बेहतरीन व्यवस्था करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने 10 जुलाई से शुरू होने वाले राजीव गांधी शहरी और ग्रामीण ओलंपिक खेलों की तैयारियों की भी समीक्षा की। इसमें पंजीकृत खिलाड़ियों, टीम और क्लस्टर गठन, खेल मैदान और सामग्री, खिलाड़ियों के लिए टी शर्ट, पुरस्कार, प्रमाण पत्र सहित दूसरी चीजों को लेकर राज्य और जिला स्तर पर की गई तैयारियों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि पिछली बार राजस्थान में ग्रामीण ओलंपिक का बहुत बढ़िया आयोजन हुआ था। इस बार ग्रामीण और शहरी ओलंपिक दोनों एक साथ होने हैं। ऐसे में लोगों में उत्साह भी है। उन्होंने कहा कि टीम के रूप में काम करते हुए इस आयोजन को ऐतिहासिक बनाना है।
राज्य सरकार धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने और यात्रियों के लिए विभिन्न सुविधाएं विकसित करने के लिए काम कर रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने जयपुर की पंचायत समिति जालसू के रोजदा स्थित श्री गोपाल जी मंदिर परिसर में विकास कार्यों के लिए वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री के इस फैसले से मंदिर परिसर में 2 करोड़ रुपए की लागत से काम होंगे। ये राशि पर्यटन विकास कोष से खर्च होगी। मंदिर में मुख्य हॉल सहित बेसमेंट और प्रवेश द्वार सहित दूसरे विभिन्न विकास कार्य होंगे। इससे यहां धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। भरतपुर और बीकानेर में खिलाड़ियों को बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए मल्टीपर्पज इंडोर हॉल का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 16 करोड़ रुपए से ज्यादा के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है। हर हॉल के निर्माण में 8 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आएगी। इनके निर्माण से खिलाड़ियों को इंडोर गेम्स में भाग लेने और अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने के अवसर प्राप्त होंगे। प्रदेशवासियों को महंगाई से राहत दिलाने के लिए आयोजित महंगाई राहत कैंप अपने उद्देश्य में पूरी तरह से सफल हो रहे हैं। 10 योजनाओं के जरिए लोगों को आर्थिक बचत, सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया जा रहा है। कैंपों में रजिस्ट्रेशन के लिए लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। अब तक 1,77,00,000 से ज्यादा परिवार इन कैंपों से लाभान्वित हो चुके हैं, जबकि गारंटी कार्ड वितरण का आंकड़ा 7,54,00,000 से ज्यादा हो गया है। महंगाई राहत कैंपों के बढ़ते आंकड़े को लेकर मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत का कहना है कि राजस्थान ने इतिहास रच दिया है। यह ऐतिहासिक आंकड़े महंगाई के खिलाफ जारी लड़ाई में एक बड़ी उपलब्धि है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा कि जिन लोगों ने अब तक पंजीकरण नहीं करवाया है, वे कैंप में जाकर जल्द पंजीकरण करवाएं। उदयपुर जिला कलेक्टर श्री ताराचंद मीणा ने कहा कि राजस्थान युवा बोर्ड की ओर से आयोजित किया जा रहा राजस्थान युवा महोत्सव युवा प्रतिभाओं की खोज कर उन्हें उचित मंच उपलब्ध कराने का स्वर्णिम अवसर है। इसमें जिले से अधिक प्रतिभाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। जिला कलेक्टर रविवार को राजस्थान युवा महोत्सव की तैयारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। राजस्थान युवा महोत्सव ब्लॉक, जिला और राज्य 3 स्तरों पर आयोजित होगा। इसमें 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवा विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग ले सकेंगे। इसके लिए राजस्थान युवा बोर्ड की वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। महिला सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार द्वारा कई अहम फैसले लिए गए हैं। प्रदेश में महिलाओं और बालिकाओं को रोडवेज की सभी श्रेणी की बसों में 50% की छूट दी जा रही है। इससे महिलाओं और बालिकाओं में खुशी है और वे लगातार मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत का आभार जता रही हैं। महिला के लिए तो बहुत ही बढ़िया काम है। फिर से मुख्यमंत्री के रूप में देखे हैं राजस्थान के, उन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, इससे मतलब लेडीज को बहुत फायदा हुआ। अच्छा निर्णय लिया है। महिला के लिए तो बहुत ही बढ़िया काम है, बचत गणी हुआ है। धन्यवाद गलोत जी ने, बहुत बढ़िया काम है। तो उनको कुछ चीजें होती है वो जो उनको चुपके से लेनी पड़ती है, और अब देखा जाए तो बुक्स वगैरह आदि भी रहने चाहिए। तो मैं तो चाहूंगी कि वो 50 रुपए में अपनी पढ़ाई पे इन्वेस्ट करूँ। तो उन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, इससे मतलब लेडीज को बहुत फायदा हुआ है, और मैं तो सोचती हूँ इसी मतलब फील्ड में आगे भी विकास होना चाहिए। मैं तो यही कहना चाहूंगी कि जैसे वो अब ये सब बदलाव कर रहे हैं, वो आगे भी ऐसा करता रहे। सरकार का डिसीजन अच्छा है, ये बचत होती है तो वो लेडीज कुछ भी अपने लिए यूज कर सकती है, पर डिपेंड नहीं रहती है, और अपने कुछ खर्चों के लिए बचत रह जाएगी। अच्छा निर्णय लिया है, ताकि हम उन्हें फिर से मुख्यमंत्री के रूप में देखे हैं राजस्थान के। अभी वर्तमान में जो अशोक गहलोत जी काम कर रहे हैं, उस हिसाब से तो लगता है कि मतलब अशोक गहलोत जी को एक बार और मौका देना चाहिए। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना ने बुजुर्गों के चेहरों पर खुशी लाने का काम किया है। राज्य सरकार की इस योजना की बुजुर्ग जमकर तारीफ कर रहे हैं। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई इस योजना ने उनके तीर्थ स्थल जाने का सपना पूरा किया है। इसके लिए वे मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत का आभार भी जता रहे हैं। बड़ी सेवा की, हार्दिक दिल से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, और मुझे ये मतलब अचंभा हो रहा है, गहलोत जी ने ऐसे ऐसे आदमी कहाँ से चुने जो इतने सेवा भावी हो और इतनी सेवा करते रहे सभी यात्रियों की, और रात दिन एक कर दिया सेवा करने में। मैं तो बड़ा ही खुश हूँ इस बात से, बहुत ही सबका बड़ा आभारी हूँ। मेरे पास कोई शब्द नहीं जिनसे आप लोगों का आभार व्यक्त करूँ। सुजस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।
हैं।